रहमानुरहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो फ्रोनस सोलर एनर्जी के जो है वो ऑनलाइन कैलकुलेटर के बारे में है, जो लोड कैलकुलेटर है। फ्रोनस ने एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर जो है अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया है, जो फ्रोनस का कैलकुलेटर है। जिस तरह की आप ये ओवरव्यू देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। आप गूगल के ऊपर सिंपल टाइप करें फ्रोनस या फ्रोनस.com लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्रोनस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें आप हमें मेंशन है देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल ऊपर जो है आपको राइट साइड के ऊपर एक आइकॉन मिल रहा है, वहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बिल्कुल मेन पेज ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोड कैलकुलेटर का ऑप्शन है। जैसे ही हम लोड कैलकुलेटर के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ये देखिए आप पूरा एक इसका ओवरव्यू कैलकुलेटर का आ रहा है। तो आइए इसके देखते हैं फंक्शन किस तरह से करता है और हमें इसका क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा हमें इसका ये है कि हम अपने घर में बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि हमें फ्रोनस का जो है कौन सी प्रोडक्ट फ्रोनस की इस्तेमाल करनी चाहती है और फ्रोनस का कौन सा मॉडल जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पूरा एक साल का हमें ये बिल रिक्वायर्ड होगा कि हमारे एक साल के अंदर जो है वो कितने यूनिट्स की कंजम्पशन है। हम अपनी कंजम्पशन जो है इसको यहाँ पे जिस तरह ही फिलअप करेंगे तो यहाँ पे जो है ये कैलकुलेटर जो है हमें वो जवाब देगा कि हमें हाइब्रिड सिस्टम चाहिए या ऑन ग्रिड चाहिए। हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कितना बैकअप चाहिए वो भी हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो है आपने अपने बिल के मुताबिक जो भी आपका रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जिस तरह का भी आपका बिल है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी है, आपका जो बिजली के बिल्स हैं आपने एक साल के एक्यूरेट या यूनिट यहाँ पे पुट करने, ताकि आपको 100% एक्यूरेट जो है इसका रिजल्ट मिल सके। यहाँ पे आप जो है इसके अंदर यूनिट्स पुटअप करेंगे अपने बिल के मुताबिक एक्यूरेट, एक साल के जो हैं प्रीवियस वो आपने इसके अंदर बिल पुटअप करने। जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 से मैंने एक रफली जो है यूनिट्स पुटअप किए हैं आपको दिखाने के लिए कि इसकी वर्किंग किस तरह है। अब हमें हाइब्रिड जो सिस्टम रिक्वायर्ड है हमें, और बैकअप यहाँ पे पूछ रहे हैं हमें कितने घंटे का बैकअप रिक्वायर्ड है, उसमें हम यहाँ पे इसको 5 घंटे या 6 घंटे का बैकअप जो है वो पूछते हैं। तो ये देखिए हमें कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि हमारा जो है इन यूनिट्स के मुताबिक हमें तकरीबन 6 किलोवाट का सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट उसने हमें शो की है। 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर और 4 किलोवाट के जो है पैनल्स और इसके साथ साथ जो है बैटरी बैकअप जो है उसके एम्पेयर आवर शो कर दिए हैं। और फ्रोनस की जो प्रोडक्ट इस रेंज में आती है उसमें 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, पीवी 7200 फ्रोनस की बैटरी शो कर दी है और उसमें साथ साथ जिनको जे और लॉन्जी के पैनल शो कर दिए हैं। तो इस तरह से आप इजीली घर बैठे हुए अपना एक एस्टिमेटेड आप इसमें देख सकते हैं कि मुझे जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या डिमांड करनी चाहिए और मार्केट में मुझे क्या चीज़ जो है वो लेनी चाहिए, फ्रोनस की कौन सी प्रोडक्ट में इजीली कंपैटिबल है मेरे यूनिट्स के मुताबिक। इस तरह अगर ऑन ग्रिड के साथ देखते हैं तो ये ऑन ग्रिड हमें शो कर रहा है कि हमें ऑन ग्रिड में जो है वो कितना सिस्टम चाहिए। ये हमने कैलकुलेट दबाया तो उसने हमें यहाँ पे सोलेक्स कंपनी का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम शो कर दिया कि यहाँ पे हमें 4.2 किलोवाट का जो है ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, जिसमें सोलेक्स जो है फ्रोनस की एक प्रोडक्ट है जो फ्रोनस मंगवा रहा है उसमें जो है इसने इन्वर्टर शो किया है। इस तरह अब अगर हम इसके यूनिट इंक्रीज़ करते हैं तो हमें ये बड़ा इन्वर्टर जो है वो बताएगा। यहाँ पे हम इसकी अगर यूनिट को इंक्रीज़ करते हैं तो हम आप देखेंगे कि ये हमें जो है वो अपना बड़ा इन्वर्टर सजेस्ट करेगा। तो इस तरह से जिनका जो लोड है वो अपने लोड के मुताबिक सिस्टम को इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखिए अब आपने इसने हमें 8 किलोवाट का इन्वर्टर शो कर दिया। हमारा 6 किलोवाट प्लस जो है हमें इन्वर्टर रिक्वायर्ड है और कम से कम जो है हमें 4.5 किलोवाट के पैनल्स जो हैं रिक्वायरमेंट इसने शो किए। तो इस तरह हम इजीली जो है अपना घर बैठ के एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए और हमें उसमें क्या क्या जो है वो कितने वाट के पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे और कितने एम्पेयर आवर्स की बैटरीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।